माँ दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है। माँ जहाँ भी होती है खुशियों से हमारी झोली भर ही देती है। जब जीवन के हर क्षेत्र में माँ का स्थान इतना बड़ा हो तो भला हमारी हिंदी सिनेमा इससे कैसे वंचित रह सकता था। हिंदी सिनेमा में जब भी माँ के किरदार को निभाने की बात आती है तो सबसे पहला नाम निरूपा रॉय का लिया जाता है, जिन्होंने अपने बेमिसाल अदाकारी से माँ के किरदार को हिंदी सिनेमा में टॉप पर पहुँचाया। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम कोकिलाबेन था। निरूपा रॉय ने 4वीं तक शिक्षा प्राप्त की थी। वह बेहद मध्यमवर्गीय परिवार से आती थी। 15 साल की उम्र में ही निरूपा रॉय की शादी कमल राय से हो गई थी, जो एक सरकारी कर्मचारी थी। फिल्मों में उनकी एंट्री बड़े ही निराले ढंग से हुई। दरअसल गुजराती अखबार के एक विज्ञापन की वजह से उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला। विज्ञापन अभिनेत्रियों के खोज के लिए था। उन्होंने विज्ञापन का जवाब दिया और गुजराती फिल्म रनक देवी के लिए उन्हें चुन लिया गया। यह फिल्म साल 1946 में रिलीज हुई। इसी साल उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज में भी काम किया। 1940 से लेकर 1950 तक कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनकी 1953 में आई 2 बीघा जमीन इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइन के रूप में पहचान दिलाई। हालांकि 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने कई धार्मिक फिल्में की, जिसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। इसके बाद निरूपा रॉय ने अधिकतर अभिनेताओं की माँ के रोल में नजर आने लगी और यही से उनकी एक विशेष छवि बनी। निरूपा रॉय ने भी माँ की भूमिका को निभाकर एक अलग अध्याय रचा। अमिताभ बच्चन के साथ अधिक फिल्में करने की वजह से उनकी माँ के रूप में आज भी उन्हें याद किया जाता है। दीवार फिल्म में उनकी भूमिका वाकई गजब की थी। माँ बेटी की यह जोड़ी उसके बाद जब भी पर्दे पर आई लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। रोटी, अनजाना, खून पसीना, सुहाग, इनकलाब, मुकंदर का सिकंदर, मर्द आदि में उनकी भूमिका दमदार थी। निरूपा रॉय को आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा माना जाता है। निरूपा रॉय को 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। सबसे पहले उन्हें 1956 की फिल्म मुनीम जी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें उन्होंने देवानंद की मां की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1962 में आई फिल्म छाया और 1965 में आई फिल्म शहनाई के लिए सहायक अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें दिया गया था। हिंदी सिनेमा में मां के किरदार को जीवित करने वाली इस महान अभिनेत्री की 13 अक्टूबर 2004 को दिल के दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया।